उदयपुर न्यायालय ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए आर्म्स एक्ट में विचाराधीन एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। दरअसल मामला 2016 का बताया जा रहा है, जहां उदयपुर के रहने वाले भूपेंद्र बाबेल नाम के व्यक्ति की जमीन के कागज डरा धमका कर लेने का आरोप उदयपुर के हिस्ट्री शीटर आजम खान, उसके साथी विक्रम सिंह और अन्य साथी शहजाद अहमद उर्फ चीनी पर था, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने बुधवार को आजम खान और विक्रम सिंह को इस मामले में बरी कर दिया, तो वहीं शहजाद अहमद उर्फ चीनी को आर्म्स एक्ट की धारा 60/25 के तहत आरोपी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। अब शहजाद के वकील का कहना है कि उन्होंने इस मामले में हाई कोर्ट में अपील की है और कोर्ट का फैसला आने का इंतजार है।